22 कर्णप्रयाग। कल देर रात कर्णप्रयाग पहुंचकर हमने रहने के लिए जीएमवीएन में चेक इन किया और डिनर करके सोने चले गए। रात अच्छी खासी ठंड थी, हीटर तो कुछ खास काम नहीं कर रहा था, लेकिन रिक्वेस्ट करने पर हमें एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स मिल गए। नींद बहुत अच्छी आई और पूरे 8 घंटे सोने के बाद जब हम सुबह उठे और बाहर आए तो देखा कि नदी होटल के ठीक पीछे ही थी। पिछले 2 दिन मौसम साफ होने के बाद आज फिर आसमान पर बादल छाए हुए थे और आने वाले 2 दिन बारिश और स्नो का फोकस था। खैर, हमने होटल में ही एक एक चाय और पी और फिर चेकआउट करके आगे चल पड़े। हमारा आज का प्लान कर्णप्रयाग घूमकर रात को रुकने के लिए जोशीमठ पहुंचने का था। सबसे पहले हम ब्रिज क्रॉस करके कर्ण मंदिर पहुंचे, जो कि एक परफेक्ट वेंटेज पॉइंट है और यहां से पिंडर और अलकनंदा रिवर का कॉन्फ्लुएंस ठीक नीचे देखा जा सकता है। हमारा प्लान यहाँ से ड्रोन उड़ाकर कुछ फुटेज शूट करने का था, लेकिन ड्रोन उड़ाते ही हमें एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस हुआ। हमने कई बार और काफी डिफरेंट लोकेशंस पर ड्रोन उड़ाया है, लेकिन यहाँ उड़ाते ही वहाँ क्लिफ पे बैठे कई 100 पिजन्स सीधा ड्रोन पर टूट पड़े और बार बार आकर या तो उसके बहुत पास से गुजरते या टक्कर मारने की कोशिश करते। ये ड्रोन और पिजन्स दोनों के लिए अनसेफ था, तो हमने जैसे ही मौका मिला जल्दी से ड्रोन को वापस लैंड करा लिया। थोड़ी देर और रुककर और कुछ लोकल से बात करके हम नीचे घाट की तरफ चल पड़े।
पानी में पैर डाल के बैठने का मन तो बहुत था, लेकिन इसके लिए सर्दी बहुत ज्यादा थी, तो हम जितना हो सकता था पानी के पास जाकर शांति से बैठे और वहां पानी की आवाज को करीब से सुना। थोड़ा टाइम और वहां बिताकर हम वापस मार्केट पहुंचे और रावत जी के रेस्टोरेंट पर नाश्ता किया। टाइम था अब आगे का सफर शुरू करने का, लेकिन उससे पहले हम कर्णप्रयाग का एक चक्कर और लगाकर कुछ और देर वहां घूमना चाहते थे और स्पेशली जो टनल पहाड़ काट के बनाई गई थी उसे पास से देखना चाहते थे। फाइनली कर्णप्रयाग का एक चक्कर और लगा के हमने आगे नंदप्रयाग का रुख किया, जो कि हमारा आज का नेक्स्ट स्टॉप था। नंदप्रयाग में हमें वहां का क्रिकेट टूर्नामेंट शूट करने का मौका मिला, जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड।